हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आज हमने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। अभी मैं इस टाइम इवनिंग में ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं होली सेलिब्रेट करने मम्मी के घर आई थी, जो कि अभी नहीं गई हूँ। तो अभी मुझे इवनिंग में टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना लेते हैं। तो करेंटली, जैसा कि आप लोग को पता है, करेंटली मैं TGT की प्रिपरेशन करती हूँ और TGT की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, इस टाइम आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशन दूँ, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं हो रही, बस 2-3 घंटे का ही मुश्किल से टाइम मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और मतलब सारे सिस्टर भी इकट्ठा हुए हैं, तो काफ़ी मतलब आप लोग समझ रहे हो। और अभी मैं ब्लॉग शूट करने के लिए छत पर आई हूँ, क्योंकि नीचे सारे बच्चे बिल्कुल हल्ला करते ही रहते हैं। तो अभी भी आप मतलब सुन पा रहे होंगे, आवाज़ आ जाती है, क्योंकि बच्चे सब हमेशा हल्ला करते ही रहते हैं। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ और मेरे गांव में शादी पार्टी भी है, तो मम्मी और दीदी सब लोग फ्रेश भी हो रही हैं। अभी चलते हैं नीचे, तो आपको दिखाते हैं। और अभी मैं छत पर आई हूँ और इवनिंग का मौसम कुछ ऐसा है, मेरे छत से कुछ ऐसा व्यूज है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरा छत है, तो चलिए अभी मैं नीचे चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ हमारी सारी सिस्टर फ्रेश हो रही हैं, तो चलिए मिलवाते हैं इनसे। आप दीदी क्या कर रही हो आप? मैं शादी में जाने के लिए तैयारियाँ कर रही हूँ। बड़ी सुंदर दिख रही हैं आप। थैंक यू। पूजा, आप क्या कर रही हैं? मम्मी को जा रहे हैं फ्रेश करने। पूजा को अभी कैमरे में नहीं दिखा सकते, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे, क्योंकि मेरी दीदी अच्छी लग रही थी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। और गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर है बेसिक शिक्षा विभाग में, तो अभी इनसे पूछते हैं, आप लोग को कुछ ये मोटिवेट करेंगी। दीदी, आप हमारी सब्सक्राइबर्स को कुछ बताइए, कुछ 2-4 लाइन में मोटिवेट करिए, कैसे पढ़ाई करें वो, कैसे क्या करें, कुछ बोलिए दीदी, बोलो। हमें अपने आपके फॉलोअर्स को यही कहना है कि ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, इन स्ट्रगल को देखते हुए कभी हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें दिन रात मेहनत करना चाहिए, कभी हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। और इंसान जब अपना हार नहीं मानेगा और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा और दिन रात मेहनत करेगा, तो एक ना एक दिन सफलता उसको जरूर मिलेगा। जैसा कि हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, फिर जाके मेरा बेसिक शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हुआ है। तो हमें सबसे यही कहना है कि कभी हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। थैंक यू। उसके बाद में काफ़ी रिलेशन वाले आ गए थे और यहाँ सब लोग बैठे थे, अपना नाश्ता पानी कर रहे थे। नाश्ता पानी तो बाहर ही कर लिए थे, लेकिन यहाँ जो जो गिफ्ट लाए थे सब एक दूसरे को दिखा रहे थे और यहाँ काफ़ी सब लोग इंजॉय कर रहे थे और मैं चुपके से वीडियो बना रही थी। और यहाँ सब लोग बाहर जा रहे थे, जब बाहर जाते थे तो कुछ लोग अंदर रह जाते थे, फिर अंदर जाते थे, फिर बाहर आते थे। वो काफ़ी टाइम तक यही हुआ और काफ़ी इस टाइम अंधेरा भी था। अभी देखिए लोग जा रहे हैं, अभी कुछ समय बाद फिर वापस आएंगे, क्योंकि कुछ लोग अंदर थे तो डिसाइड ही नहीं। यहाँ सब लोग जा रहे थे और सब लोग कह रहे थे मेरा वीडियो अच्छा है, मेरा फ़ोटो अच्छा है। और हालांकि मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे आप लोग को रियल चीज़ें दिखानी ही होती हैं। अभी देखिए सब लोग वापस आ गए हैं, फिर से घर में आ गए हैं, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि साथ में चलें कि सब लोगों को लेकर चलें कि क्या करें। देखिए यहाँ सब लोग वापस आए थे कि चलो सेल्फ़ी लेते हैं, सब लोग अपना अपना फ़ोन ले करके सेल्फ़ी ले रहे थे। सेल्फ़ी लेने के बाद वापस से हम तीनों आ गए थे, वेट कर रहे थे जो लोग अंदर थे। हमने बोला कि आप लोग खड़े रहना, जब वो लोग आएंगे। मैं खुद को भी दिखा दे रही हूँ ताकि पता चले कि पता नहीं कौन शूट कर रहा था।
और ये चीज़ें मैं अपने छत से रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि कुछ ये सोच थी कि मैं नीचे नहीं जा सकती थी और मैं म्यूजिक भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं बीच बीच में कोशिश करूँगी म्यूजिक देने की। यहाँ सब लोग नाच रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। बस काफ़ी रात हो चला था तो मैं ऐसे ही छत पर गई थी, वहीं से मैं ये शूट कर रही थी। दूर से ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब नाइट में लाइट तो अच्छा ही लगता है, आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ सब बच्चे डांस भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था हमको भी। बस ऐसे ही चले गए थे थोड़ा सा शूट करने के लिए।